यहाँ जो है बारिश कुछ हल्की हो चुकी है। तो भैया फिलहाल अभी हम आ चुके हैं गौला नदी के इस तरफ, तो आप चेक करो यहाँ से आगे बारिश हो गई तेज, अब निकलना पड़ता है वहाँ पे भाई तो नहीं खुल रहा है आगे, अभी हमें खुला हुआ दिख रहा है देखो बढ़िया सा एकदम। तो भैया फिलहाल अभी हम निकल चुके हैं काठू धाम की तरफ और आप सफर में चेक कर सकते हैं हमें मिल चुकी है बारिश जो की अभी हल्की सी हो रही है। बारिश में फोन की लंका लग गई तो इसका जो है फोन भी डैमेज हो गया। तो भैया आप देखिए यहाँ भी लाल डांड का कुछ इतना बुरा हाल हो चुका है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। तो कैसे आप सभी, आई होप सभी बढ़िया होंगे एंड मजे पे होंगे। तो फिलहाल मैं हूँ अभी घर पे और आज का हमारा कुछ सीन ऐसा बन रहा है जो कि आज हम जा रहे हैं लोकल पे, तो अभी हो रही है समथिंग 11:30 हो गया है, टाइम काफ़ी हो गया वैसे, बट मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है बाहर से, तो आप चेकआउट कर सकते हैं गाइस। तो फिलहाल मौसम है जो काफ़ी भयानक हो रहा है बाहर से। फिलहाल एक हमारे जस्ट फ्रेंड का फ़ोन आया था, तो काफ़ी टाइम बाद आप लोगों ने देखा होगा कि पहाड़ों के ब्लॉग बना रहा था, पहाड़ साइड ही था मैं, तो काफ़ी टाइम से जो अपने लोकल के फ्रेंड है उन लोगों से मिल नहीं पाया था, तो उनका फ़ोन आ रहा था, मैंने कहा चलो फ़ोन आ रहा था तो चलते हैं आज छोटा सा एक ट्रिप मार के आते हैं उन लोगों के साथ। तो आप लोग भी बने रखना, काफ़ी मस्त जो हमारी ट्रिप होने वाली है एंड लोकल पे ही जाएंगे, ज़्यादा दूर जाने वाले हैं नहीं वैसे क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है। तो निकलते हैं अपना एंड छोटा सा ट्रिप उसको मार के आते, तो आप लोग इन्जॉय करिए वीडियो एंड जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल और नया देख रहा है वो सब्सक्राइब कर दे फटाफट से, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया ऐसी लोकेशन पे जाके आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं। फिलहाल मैं ला चुका हूँ अपनी की एंड हम निकलने वाले बाइक से, तो यहाँ हमारी अपनी कार खड़ी है और मौसम आप चेक कर सकते हैं, देखो कितना मतलब एकदम से बारिश आने वाला हो चुका है और बादल हो चुके हैं हल्के से ब्लैक और मौसम मस्त हो रहा है एकदम अभी राइड करने के लिए, बट अभी हवा वगैरह चल रही है तो चलते हैं फटाफट से, लेट भी हो रही है और भाई के आ रहे हैं फोन, तो पकड़ते हैं बाइक एंड निकलते हैं सीधा सफर की तरफ। तो भैया फिलहाल अभी हम निकल चुके हैं काठू धाम की तरफ और आप सफर में चेक कर सकते हैं हमें मिल चुकी है बारिश जो कि अभी हल्की सी हो रही है, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा काठू धाम तक निकलते हैं एंड वहाँ से अगर आगे को ना हो रही हो तो फिर उसके बाद देखेंगे, मना करिए बारिश में, आज का प्रोग्राम है जो काठू धाम, अगर ज़्यादा बारिश लगी ना डिले कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें पहले ही नीचे हम रुके हुए थे तो मैंने वहाँ पे शूट तो नहीं किया ब्लॉग, बट मैं सोचा था कि आज जो है ब्लॉग कैंसिल ही कर देता हूँ क्योंकि यार बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना, क्या बताऊँ आप लोगों को, मेरा मूड नहीं था जाने का, बट फिर बारिश हल्की हुई तो सोचा कि यार चलो चलते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि यार मौसम काफ़ी मस्त हो रहा था इस मौसम को ना, हम सोच रहे थे कि इस मौसम का लोग थोड़ा सा मज़े ले लें, तो इस वजह से अब हम निकल चुके हैं। देखो सब छाता लेके घूमने वैसे तो बढ़िया, लेकिन फिलहाल आप चेक कर सकते हैं बारिश जो है हल्के से छींटे मतलब बूंदाबांदी वाली हो रही है, तो फिलहाल वो काफ़ी बढ़िया रहा है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं हेडिल एंड यहाँ से जो है काफ़ी दूर नहीं है काठू धाम, तो थोड़ा सा ये है एंड काठू धाम से आई थिंक शायद हमें जो है अपना टर्न लेना पड़ेगा वापस, क्योंकि यार मौसम मुझे लग नहीं रहा है कि हमें ऊपर को जाने देगा आगे। फिलहाल तो अभी थोड़ा हल्की हो चुकी है बारिश, तो काफ़ी मस्त हो गया और आगे आप सब चेक करो वहाँ का मौसम है जो काफ़ी मस्त हो गया, तो इसी वजह से भैया फिलहाल अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ और देखते हैं काठू धाम में क्या रहता है माहौल, वहीं जाके पता चलेगा और वहीं से हम डिसाइड करेंगे कि आगे का क्या है सीन। तो लोग जो है छाता लेके चल रहे हैं मज़े से और हम बारिश में बजे बजे में चल रहे हैं फिलहाल, और देखो नदी का पानी देखो कैसे जगह जगह से इतना सारा पानी आने लग गया है। फिलहाल काठू धाम वाला जो अब की गौला नदी है ना उसमें भी बेहिसाब पानी आ चुका होगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ का पानी देख देख के छोटी छोटी नदियाँ। तो भैया आप सामने चेक कर सकते हैं मौसम जो है आगे अभी हमें खुला हुआ दिख रहा है देखो बढ़िया सा एकदम, और हम पहुँचने वाले हैं आपका काठू धाम के करीब, जस्ट आगे जो है सामने आप लोगों को दिख जाएगा काठू धाम। फिलहाल मौसम काफ़ी मस्त सा हो गया, ठंडा ठंडा एकदम से, क्योंकि बारिश आप चेक करो रोड में यार कितनी तगड़ी हुई है, हम तो आधा घंटा वेट किया तब जाके हम दोबारा से ऊपर आए हुए हैं, वरना हम कैंसिल कर रहे थे आज का प्लान जो कि दोबारा से हम आ गए फिर भी। तो फिलहाल अभी और ऊपर तक जाने वाले हैं हम ऐसे ही थोड़ा आगे एंड फिर देखते हैं आगे, क्योंकि सौ पालों की देखो कैसी हालत हो गई है, पूरी पूरी कोई कश्योर नहीं दिख रहा है दूर दूर तक, और फिलहाल अभी हम पहुँच गए काठू धाम, तो अब हम जाएंगे थोड़ा आगे तक और वहाँ से देखते हैं आगे का, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है, आधा किलोमीटर होती है आधा किलोमीटर में नहीं होती है, तो यार कुछ पता ही नहीं है बारिश का क्या सीन होगा क्या नहीं होगा, और यहाँ से मौसम तो मुझे काफ़ी मस्त लग रहा है उधर से।
डाडू धाम पहुंचे हुए थे, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और हमारे साथ एक स्कैम हो चुका है, बारिश बहुत स्कैम कर रही है, जो कि दोबारा से बारिश होने लग गई है और अपनी बाइक पड़ी है यहाँ, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही है। आप कहाँ पेड़ के नीचे खड़े यार देखो, क्योंकि उधर भी काफ़ी पानी गिर रहा है और वहाँ से बारिश आ रही है, देखो पानी कितना आने लग गया एकदम से बहुत तेज। तो इसमें भी नदी जैसी बहने लग गई यहाँ पे भी, और अभी हम यहाँ पहुँचे जस्ट, तो उतने में एकदम से बारिश आ गई आगे से, तो बड़ा भयंकर वाला स्कैम कर दिया है बारिश ने, बड़ा बुरा हाल हो रहा है। अपनी बाइक यहाँ खड़ी है और आप चेक करो ये हाल है ट्रैफिक का, तो गाड़ी वाले तो निकल रहे हैं बट हम जो है ना खड़े हैं मजे से, बाइक तो हेलमेट पहन के हल्के ऑल ब्लैक बन के बैठा है देखो। तो फिलहाल यार यहाँ पे खड़े हैं, क्या करें, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, बारिश का कर रहे हैं वेट बंद हो। तो भैया फिलहाल हाल कुछ इस तरीके का हो चुका है, आप सामने चेक कर सकते हैं, काठगोदाम में खड़े थे हम अभी तक, वहाँ खड़े थे हम उस वाली लोकेशन में, बट वहाँ भी ना इतनी तेज़ बारिश आने लग गई, आप चेक करो ऊपर की तरफ से आ रही है बारिश वहाँ से। तो फिलहाल हम आ गए यहाँ नीचे, यहाँ पे हमें बढ़िया सा एक मिल गया था खड़े होने के लिए, तो फिलहाल थोड़ा देर यहाँ पे रुकते हैं एंड फिर देखते हैं, आप बारिश कम होती है तो निकलते हैं वापस, देखो क्या होता आगे, कुछ पता नहीं है अभी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। और यहाँ से सामने आप चेक करो उधर साइड, तो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, देखो धुंध लगी पड़ी है ना, तो बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है। और यहाँ पे तो यार पूछो मत, कपड़े पूरे के पूरे भीग के सर पत्थर हो चुके हैं, भाई का हालत मज़ा आ रहा भाई का ना बहुत बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल तो हल्द्वानी है कटघरिया में होता ना, तो वहाँ नहीं होता कह रहा, यहाँ आगे ऐसा हाल हो गया ना। अभी ज़्यादा नहीं आया हम, समथिंग अप्रॉक्स 10 किलोमीटर समथिंग आए हैं 10 से 15 के बीच, बट उसी में इतना बुरा हाल हो गया, बहुत बुरा। तो फिलहाल देखते हैं अभी बारिश वगैरह हल्की होती है ना, तो उसके बाद देखेंगे फिर क्या होता आएगा सीन। फिलहाल अपना इसके नीचे खड़े हैं, बढ़िया अभी सेफ है, देखो खुश है भाई, खुश है तू, यहाँ पे खड़े हो गए स्माइल बता रही है इसकी कि खुश नहीं है, लेकिन भाई क्या चाह रहा है पता नहीं है, देखो हंस रहा वहाँ जाके। एंड अभी फिलहाल देखते हैं यार ये हल्का हो जाए ना मामला, एंड फिर देखेंगे अपना क्या होता है सीन। तो देखो गाड़ी वाड़ी वाले तो फुल स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि रोड है पूरी की पूरी खाली, तो देखो थोड़े देर में चल रहे, नहीं तो वह सोच के चलते हैं कि इतनी तेज चले आना चले, क्योंकि रोड पूरी खाली है ना यार देखो, इसी वजह से ये भी मजे मजे में चल रहे हैं। और वहाँ भी इतनी तेज़ बारिश हो रही है सामने, देखो पूरी धुंध लगी हुई है, एंड यहाँ भी, और वहाँ देखो चाल चमक रही है। तो फिलहाल देखते हैं अभी यहाँ पर से पानी, आप देखो कैसा निकल रहा है एकदम वहाँ से गिर रहा है और सीधा गाड़ी के ऊपर, चेक करो आप गाड़ी की लंगा लगा के रखी थी अभी तक, तो इसने आप तो वहीं गिर रहा है ऊपर ही, बड़े वहाँ गिर रहा था। तो भैया फिलहाल बारिश हो चुकी है हल्की और हम निकल चुके हैं आगे की तरफ, हल्की तो क्या हो गई है बंद हो गई है अभी, एंड हम जा रहे हैं आगे, तो फिलहाल देखते हैं थोड़ा सा आगे तक जाते हैं, लक्ष्य नहीं था, अगर बारिश आएगी तो आसान लगेगी ना, आगे मौसम देखते हैं। हम सोचे थोड़ा सा इस रोड में चलते हैं आगे को अड़ागान वाली है, बट देखो अभी क्या होता है, अगर बारिश आ गई तो फिर तो इम्पॉसिबल है, बट फिलहाल अभी हम देखते हैं आगे जाके पुल पे जाके पता चलेगा रास्ता, क्योंकि मौसम वहाँ से ज़्यादा वैसे दिखता है, तो ऊपर को वैसे बारिश दिख रही है, आप सामने चेक करेंगे वहाँ दिख रही है बारिश, और चेक करते हैं पुल में जाके बढ़िया करके, वाला का जो पानी है वो भी बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आ गया है, तो भी देख रहे हैं कितना आ रहा है एकदम, मुझे लग रहा है खुल वाला आ चुकी है। तो भैया ऊपर साइड तो हो रही है बारिश, तो फिलहाल वहाँ का जो है करते हैं कैंसिल क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, और यहाँ पानी देखो आप कितना आ रहा है, पानी देख के बाहर चल रहा है, ऊपर साइड की बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, और यहाँ तो पानी भरा है भैया तगड़ा वाला, तेरी गाड़ी जा रही है तो बुरा तरबर करते हुए, और आप चेक कर लीजिए। तो भैया यहाँ पर साफ चेक करो आगे कितना ज़्यादा आज पानी चल रहा है इसमें, वहाँ पर भी सामने, एंड ये तो भर भर के चल रहा है इस तरीके का, देखो एकदम से नदी है जो ना उफान पे आ चुकी है, और वहाँ से देखो पानी बढ़ रहा है अभी उस वाले एरिया पे, वहाँ से पानी बढ़ते हुए आ रहा है, तो इतना पानी बताओ इतना आ चुका है, बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। और यहाँ चल गई है बारिश तेज वाली, तो यार फिलहाल गाड़ी तो देखो बीच में कितना बुरा पानी तक जा रही है। तो भैया फिलहाल अभी हम आ चुके हैं गौला नदी के इस तरफ, तो आप चेक करो यहाँ से आ गई बारिश, हो गई तेज, अब निकलना पड़ता है वापस, तो यार भाई घुमा गाड़ी। तो फिलहाल बारिश हो चुकी है तेज, अब निकल रहे हैं हम क्योंकि एकदम से बारिश आ गई है और बड़ा बुरा हाल हो रहा है, इससे भाई की टाइट ना हो रही, अब भाई की टाइट ना हो रही क्या, हो गई फिलहाल तो घुमाना, फिलहाल अब निकलते हैं वापस यार, बहुत तेज बारिश आ चुकी है और मैं क्या ही बताऊँ अब इस तरीके से कि यार मैं बता सकता निकल जाते हैं फटाफट से, क्योंकि कोई फायदा नहीं है यार रुक के, बहुत तेज बारिश आ रही है, घर को निकलना है जो वही बेटर रहेगा। एंड यहाँ आप चेक करो कितना तेज पानी आ गया है, बहुत
बहुत तेज पानी आ गया है। तो फिलहाल अब दोनों भाई हम निकल रहे हैं यहाँ से घर की तरफ को अपने वापस वही रूट पे, क्योंकि बहुत तेज बारिश आ रही है। फिलहाल चेक कर रहा था नीचे पानी देखो भाई, तो फिलहाल भाई चला रहे हैं बाइक और मैं पीछे बैठा हुआ आराम से। तो भाई आराम से भाई तो इतनी घूमने जा रहा है ना, कुछ लोग बारिश लग गई है बहुत तेज। तो फिलहाल ब्लॉग को यही स्टॉप करता हूँ मैं, क्योंकि अभी हो रही है बहुत तेज बारिश। तो भाई आराम से, तो इसको चढ़ेंगे पता नहीं कौन से अंदर से धुंध। तो फिलहाल निकलते हैं यार, बहुत तेज बारिश हो रही है, भीग रहा हूँ मैं भी। फिलहाल आगे देखते हैं, स्टॉप देते हैं, फिर निकलते हैं। यहाँ जो है बारिश कुछ हल्की हो चुकी है, तो ऊपर साइड है जरा बहुत तेज बारिश हो रही थी, बट यहाँ ठीक है मौसम, काफी बेटर हो रहा है। और यहाँ से भी हम निकल रहे हैं यहाँ से अंदर की तरफ को, क्योंकि स्पॉट ये रहेगा यार, बारिश बहुत हो रही है इधर साइड। अपने एरिया में ना बारिश बिल्कुल ना थी, बट यहाँ आप देखोगे तो बारिश का बड़ा बुरा हाल है यार, सब सौंपे भी ऐसे ठप पड़ी है कि पता ही नहीं है। तो फिलहाल अब निकलते हैं हम सीधा बिना देर करे घर की तरफ, बिना कैमरा मेरा भीग गया आधा। तो फिलहाल यार इसको नुकसान नहीं देते, आराम देते हैं इसको अब, क्योंकि निकलते हैं फटाफट से। और बारिश हो गई, मैं तो पूरा तरबतर हो चुका हूँ, बड़ा खुश हो रही है, और ये बड़ा खुश हो रहा था इसी को। I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front. ये फिलहाल आ चुके हम गार्डन से काफी नीचे, और यहाँ जो है ना बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, वहाँ थी बहुत तेज बारिश। तो फिलहाल यहाँ पे अभी रुके हुए हैं, एंड यार काफी गीला हो गया हूँ, तो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा गर्मी जैसी हिट लग रही है गाड़ियों की, तो उससे काफी बेटर फील हो रहा है। एंड कपड़े मुझे लग रहा है कि सूख जाएंगे, क्योंकि ये देखो ऐसा हाल हो चुका है कुछ भाई का, तो बिल्कुल चप्पलों में आया था कपड़े वगैरह भीग गए। और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं सामने, बहुत बुरा हाल हो गया। तो फिलहाल काफी रुके हुए यहाँ पे, थोड़ी देर रुकते हैं एंड उसके बाद निकलेंगे सीधा घर की तरफ को, क्योंकि यार काफी डैम हो गया है और ये बारिश ने कहीं जाने तो दिया नहीं एकदम से, क्योंकि ठंडी हवा लग रही है ना गाड़ी में, तो बड़ा बुरा हो रहा है। हमारा भाई कुछ इस तरीके से हाल हो गया है, मजा आ नहीं आया बारिश में, फोन की लंका लग गई, तो इसका जो है फोन भी डैमेज हो गया है, ये तो काम ही नहीं कर रहा भैया। ये देखो इसका फोन है जो काम ही नहीं कर रहा है, और इसका आ गया कॉल, तो भैया फिलहाल अभी हम पहुंचे थे चौकपुला चौराहे से नीचे, तो आप देख सकते हैं लोकल में भी नहर में कितना सारा पानी आया हुआ है, इतना बुरा हाल है नहरों का। देखो इतनी सारी बारिश हो रही है ना पहाड़ों में कि बेहिसाब, और पानी आप चेक करो, और यहाँ पे हम अभी रुके हुए हैं। तो भैया फिलहाल वहाँ से हम आ गए थे, लेकिन यहाँ आप चेक कर सकते हैं आगे, देखो एक बूंद बारिश की नहीं दिख रही होगी आप लोगों को, यहाँ को बारिश ही नहीं हुई है, एंड वहाँ इतनी बुरी बारिश हो रही है ना क्या ही बताऊँ आप लोगों को। हम तो भीगते भीगते रिस्क लेके आगे, हमने कहा देखेंगे नीचे को जो भी होगा, बट यहाँ बारिश ही नहीं थी बिल्कुल भी। आप चेक कर सकते हैं खुद ही, यहाँ रोड में बिल्कुल आपको गीला दिख रहा होगा, क्योंकि बारिश नहीं हुई है तो बहुत गीला कहाँ से होगा। और यहाँ नदी में देखो पानी कितना भयंकर चल रहा है, ये पता नहीं कौन से नदियों का पानी मिलकर आता है, काटगांव वाला भी पानी नहीं है, और यहाँ सूखा पड़ा है पूरा, देखो इस तरीके का हो रहा है। खाली मौसम मस्त हो रहा है, लेकिन लेकिन बारिश नहीं हुई है, और वहाँ उतनी भयंकर बारिश चल रही है कि क्या ही। फिलहाल पहुँच चुके हैं हम कटघरिया, एंड यहाँ से भाई जाएगा अपने गांव, जहाँ जाना है इसको मतलब वहाँ चले जाएगा, एंड हम पहुँच गए, और यहाँ बारिश नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तुझे क्यों हंसी आ रही इतनी भाई, हंसते रहता है वैसे।
तो फिलहाल इसी के साथ मैं भी चलता हूँ अपने घर के तरफ को, और कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है, तो फिलहाल चलता हूँ यार घर को। भैया फाइनली मैं पहुँच गया हूँ घर, एंड अभी जस्ट पहुँचा ही हूँ थोड़ी देर पहले, तो भाई भी चले गया है। एंड यार काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी ऊपर की साइड को, तो बट यहाँ ना बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, बारिश की बूंदी तक नहीं पड़ी है। लगा लो आप क्यों कुछ क्या हाल हो रहे होंगे, क्योंकि उधर को ना बहुत तेज़ बारिश थी, एंड वहाँ से हम नीचे को निकल के आए तो यहाँ तो बिल्कुल बारिश का कुछ नाम ही नहीं है, एंड एक बूंद भी नहीं पड़ी है बारिश की, तो ऐसा कुछ यहाँ का हाल हो रहा है। तो फिलहाल वहाँ बहुत तेज़ बारिश होती है, बट फिर भी ठीक है, तो मौसम काफ़ी बेटर है। बट फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ घर, और हमें जाना था कुछ आगे, बट बारिश की वजह से हम जा तो नहीं पाए, बट वहीं से टर्न ले लिया था हमने। तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज थी, अगर हम वहाँ अभी भी रुके हुए थे तो शायद हम वहीं होते, क्योंकि अभी भी बारिश चल रही है वहाँ साइड। तो इसी के साथ अपना ब्लॉग भी यहीं एंड करेंगे, क्योंकि अब पहुँच गए घर, और ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और आप लोग को आई होप वीडियो अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, एंड सब्सक्राइब करना, एंड शेयर करना, तो हम आपके लिए ऐसी बड़ी ऐसी वीडियोज लाते रहेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग गाइस आज के इस ब्लॉग में। बाय बाय।